हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्काउंट यानी छूट को। डिस्काउंट में इससे पहले जो है बता चुके हैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को, उसे क्वेश्चन को भी हम लोग पढ़े हैं। डिस्काउंट जो होता है वो एमआरपी में से सेलिंग प्राइस को घटाने से प्राप्त होता है ना। तो डिस्काउंट ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो उसको एक बार रिमाइंड करते हुए चलते हैं। तो डिस्काउंट जो होता है अंकित मूल माइनस विक्रय मूल होता है। यहाँ से अब हमेशा डिस्काउंट जो मिलता है यानी छूट जो प्राप्त होता है वो अंकित मूल पर ही प्राप्त होता है। जब कभी भी सामान लेने जाते हैं तो कोई भी प्रोडक्ट होता है उसका प्राइस हम लोग देख लेते हैं और उस पर 10% 20% की छूट या तो दुकानदार देता है या हम लोग करवाते हैं। तो हमेशा छूट जो होता है वो अंकित मूल पर होता है। तो छूट प्रतिशत अंकित मूल पर निकालेंगे, छूट बटे अंकित मूल गुना 100, छूट बटे अंकित मूल गुना 100। और छूट प्रतिशत यदि दिया हुआ हो तो विक्रय मूल यानी दुकानदार का विक्रय मूल हमारा यानी ग्राहक का क्रय, तो विक्रय मूल जो होगा अंकित मूल गुना 100 माइनस छूट प्रतिशत बटे 100। और यहाँ से अंकित मूल बराबर हो जाएगा विक्रय मूल गुना 100 बटे 100 माइनस छूट प्रतिशत। अब चूंकि डिस्काउंट जो चैप्टर है जो टॉपिक है वो रिलेटेड है लॉस प्रॉफिट से, अर्थात डिस्काउंट को हम लोग बेहतर तरीके से तभी समझ पाएंगे जब लॉस प्रॉफिट कंप्लीट हो। इसके लिए हम यहाँ पर जो है लॉस प्रॉफिट का कुछ फॉर्मूला लिखा दिया है। लॉस प्रॉफिट में जो टर्म यूज होता है वो एसपी और सीपी यूज होता है बेसिकली। तो सीपी हो गया कॉस्ट प्राइस जिसको हम लोग कहते हैं क्रय मूल्य, और एसपी हो गया सेलिंग प्राइस जिसको हम लोग कहते हैं विक्रय मूल्य। एल फॉर लॉस और पी फॉर प्रॉफिट हम यूज में लाएंगे। तो यहाँ से जब किसी वस्तु को उसके दाम से अधिक में बेचा जाता है यानी क्रय मूल्य कम हो और विक्रय मूल्य अधिक हो तो तब तब जा करके हमें जो है प्रॉफिट होता है। मान लो 100 का सामान है और उसको 120 में बेच, 20 रुपये का प्रॉफिट हो। विक्रय मूल्य जब ज्यादा होगा तभी प्रॉफिट होगा, विक्रय मूल्य यदि क्रय मूल्य से कम हो तो लॉस होता है। तो लॉस होने के लिए जरूरी है कि क्रय मूल्य अधिक हो और विक्रय मूल्य कम हो ना। तो जब क्रय मूल्य ज्यादा हो और विक्रय मूल्य कम हो, मान लो 100 रुपये का सामान 80 रुपये में बेच रहे हैं, 20 रुपये का लॉस, तो जब विक्रय मूल्य कम होता है तो लॉस होता है, विक्रय मूल्य अधिक होता है प्रॉफिट होता है। इस तरह से लॉस हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, लॉस बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब लॉस या प्रॉफिट जो भी होता है वो सब का सब क्रय मूल्य पर ही कैलकुलेट होता है, ध्यान रहे। तो यहाँ से जो है लॉस प्रतिशत लॉस बटे क्रय मूल्य गुना 100, लॉस प्रतिशत के कंडीशन में विक्रय मूल्य होगा क्रय मूल्य गुना 100 माइनस लॉस प्रतिशत बटे 100, और क्रय मूल्य होगा 100 गुना विक्रय मूल्य और 100 माइनस लॉस प्रतिशत। फिर प्रॉफिट कब होगा? जब विक्रय मूल्य अधिक हो क्रय मूल्य कम हो, मतलब कम दाम के सामान को ज्यादा में बेचना, तो उस कंडीशन प्रॉफिट प्रॉफिट हो जाता है एसपी माइनस सीपी यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यहाँ से प्रतिशत हो जाएगा प्रॉफिट प्रतिशत प्रॉफिट बटे क्रय मूल्य गुना 100। यहाँ से प्रॉफिट के कंडीशन में एसपी हो जाएगा सीपी गुना 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, और सीपी बराबर हो जाएगा एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस पी प्रॉफिट। इस तरह से ये सब फॉर्मूला यदि कंप्लीट रहता है तो डिस्काउंट में आने वाले लैंग्वेज प्रॉब्लम को इजीली हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो एक वीडियो लेक्चर जो कि बताया गया यूट्यूब पर भी आज अपलोड हो गया है। हाँ, तो हम ये बता रहे थे कि सारा फॉर्मूला यदि लॉस प्रॉफिट का कंप्लीट रहता है डिस्काउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हो गया सर स्क्रीनशॉट। हो गया, चलो तो इसको अभी हम मिटा रहे हैं। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन की ओर, और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को पढ़ना है। कॉन्सेप्ट जो था लॉस प्रॉफिट या डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट कल ही हो गया है, उतना ही फॉर्मूला है। उसके अलावा जो भी टेक्निक यूज होगा या ट्रिक यूज होगा या हमारा
हम लोग जो है व्यवहारिक मेथड का यूज करके जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बारी बारी से कुछ कुछ एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो उसमें कल जो है मैंने समतुल्य बट्टा के बारे में बताया था, समतुल्य वाला बट्टा कैसे निकालते हैं। लगातार डिस्काउंट दिया हुआ हो तब कंप्लीट डिस्काउंट, यदि पूरा कितना छूट मिला वो यदि कैलकुलेट करना हो तो किस तरह से उसको सॉल्व करेंगे, ये सब हो गया था। ठीक, तो आज जो है हम कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो कि तुम लोग को मैसेज कर ही दिए हैं क्वेश्चन ना, और सब लिख भी लिया। देखते हैं बारी बारी से कुछ एक क्वेश्चन को, और कुछ एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और कुछ एक क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो है लिख रहे हैं फिर उसको सॉल्व करेंगे। एक व्यापारी अपने सामान पर YouTube पर जो वीडियो देखेगा थोड़ा 10-20 सेकंड स्किप कर देगा ताकि डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक ना। एक व्यापारी अपने सामान पर 10% छूट देकर 10% की छूट देकर 26% लाभ कमाता है, 26% लाभ कमाता है। एक व्यापारी अपने सामान पर 10% की छूट देकर 26% लाभ कमाता है। यदि उस वस्तु का अंकित मूल्य ₹280 है तो उसने उसे कितने में खरीदा था, उसे कितने में खरीदा था, ये रहा क्वेश्चन। ध्यान दो, तुम लोग बनाया है क्या? देखो क्वेश्चन क्या, ध्यान दो क्वेश्चन को, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन कह रहा है। एक व्यापारी अपने सामान पर 10% की छूट देता है, 10% का डिस्काउंट मिल रहा है, यानी बट्टा मिल रहा है 10% का, ग्राहक को वो 10% छूट पर सामान को देता है, देकर 26% का लाभ पाता है। मतलब दुकानदार जो है 10% का छूट देता है सामान बेच करके, या कस्टमर को 10% का छूट देता है, फिर भी उसको 26% का प्रॉफिट हो रहा है। कह रहा उस वस्तु का अंकित मूल्य ₹280 है तो उसने उसे कितने में खरीदा था, कितना में खरीदा था, क्रय मूल्य निकालना। सबसे पहले तो इस पर जो है MRP दिया हुआ है, MRP यानी अंकित मूल्य कितना है, ₹280 है। छूट हमेशा किस पर दी जाती है, अंकित मूल्य पर, पता है ना, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। तो एक व्यापारी अपने सामान पर 10% की छूट देकर के 26% का लाभ, मतलब दुकानदार सामान बेचता है 10% के डिस्काउंट, अंकित मूल्य इतना दिया गया है तो इसका 10% डिस्काउंट करेंगे, उतना में वह सामान बेचा तो SP बराबर क्या हो जाएगा बता दो, 280 में 10% कम करेंगे, 280 MRP है, इसमें 10% डिस्काउंट मिल रहा है तो 10% कम हो जाएगा, यानी 90% बचेगा, 90% में बेच रहा है वो, 100% मतलब पूरा तो ये 280 है और 10% का छूट दे रहा है, 10% का छूट दे रहा है, यानी उसका वैल्यू 90% रह जाता है जिसमें कि वह सामान बेच रहा है, 90% में सामान बेच रहा है, तो 280 का 90% SP हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 90/100, 1 यहां से और 1 यहां से खत्म। इसको गुणा कर लो, 9 × 8 = 72, बाकी 7 × 9 = 18, 7 = 25, मतलब सामान को बेच रहा है ₹252। ये क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया, दुकानदार सामान को ₹252 बेच देता है और इतना रुपया में बेचने पर उसको 26% का लाभ मिल रहा है, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ, प्रॉफिट परसेंट है 26%, 26% का लाभ मिल रहा है तो कहता है उसने उसे कितने में खरीदा था, दुकानदार क्रय मूल्य कह रहा है निकालने के लिए, CP दुकानदार कितना में वस्तु खरीदा था, तो CP निकालना, CP का भी जस्ट फॉर्मूला बताए, जब प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ तो CP क्या होता है बताओ,
सीपी बराबर क्या होता है, एसपी इंटू 100 बाय 100 प्लस पी परसेंट, यही होता है ना फॉर्मूला। देखो अभी जस्ट बोले हैं कि लॉस प्रॉफिट कंप्लीट रहेगा तो ये बनेगा, देखो लॉस प्रॉफिट का क्वेश्चन यूज हो गया। 280 रुपया का सामान है 10% छूट पर बेच रहा है तो विक्रय मूल्य हो गया 252 रुपया, क्योंकि 280 का 10% छूट मिल रहा है यानी 90% कीमत बेच रहा है, तो 280 का 90% इकोनॉमी बेच रहा है वो, और तब भी 26% का लाभ कमाता है। क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य जब विक्रय मूल्य और लाभ दिया हुआ हो तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य गुना 100/100 प्लस लाभ प्रतिशत, रख दो वैल्यू यहाँ, तो विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य है 252 गुना 100 बटे 100 प्लस प्रॉफिट, 100 प्लस 26 यानी 126 गुना 252 होगा ना 200। मतलब ये हुआ कि दुकानदार जो सामान खरीदा, दुकानदार सामान 200 रुपये में खरीदा, दुकानदार सामान कितने में खरीदा, 200 रुपये में खरीदा, इस तरह से इजीली क्वेश्चन क्लियर है। देखो लैंग्वेज यदि सही से पकड़ लेते हो और सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, क्लियर है, किसी को दिक्कत भी है समझ में, एनी डाउट, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। हो गया, इसको मिटाते हैं, लिख लिया सर, समझ में आ गया ना सबका, तब तुम लोग बनाया था क्वेश्चन, नहीं बनाया होगा, क्यों नहीं बनाता, चलो ये क्वेश्चन बनेगा, 20% तथा 25% के समतुल्य बट्टा को ज्ञात कर, बताया हमें समतुल्य बट्टा कैसे निकालें, समतुल्य बट्टा मतलब कुल डिस्काउंट कितना होता है, तो फर्स्ट कंडीशन में 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, फिर सेकंड कंडीशन में 25% का डिस्काउंट, तो कुल डिस्काउंट क्या होगा बताया हमें, मान लो कि 100 रुपये है, 100% मतलब पूरा हुआ, 100 में जितना प्रतिशत होगा उतना होगा, मान लो 100 है, शुरुआत में 100 है उसका वैल्यू, तो 20% डिस्काउंट मिला तब कितना हो गया, 80% बच गया, 80% यानी 80/100 इतना वैल्यू बच गया, फिर इस पर 25% और डिस्काउंट करवाया तब 25% यदि माइनस कर देते हैं तो कितना वैल्यू बच जाता है, 75%, अब इसका 75% बच गया, इसका निकाल लेते हैं 75%, ये हो गया वैल्यू, बचा हुआ वैल्यू काट दो, खत्म, 10 खत्म, 2 5 10 15 5 75 2 4 60 मतलब 60 बच गया, ये रेस्ट बच गया, रेस्ट तो छूट कितना मिला, 40 का छूट मिला तब मैं 60 बच गया, यहां से हो गया समतुल्य बट्टा क्या हो जाएगा, समतुल्य बट्टा बराबर 100 - 60 यानी 40, 100% लिए उसका 20% डिस्काउंट हुआ 80% बच गया, फिर 25% डिस्काउंट हुआ 75% बच गया, मतलब शेष बचा हुआ है 60%, तो कुल 100 में 60% बच गया, कितना परसेंट बट्टा मिला, तो 100 में 60 घटा दिए 40% बट्टा, या तो ऐसे बना लो या मेथड टू यूज करो, मेथड टू में बताया था ना ए प्रतिशत तथा बी प्रतिशत का समतुल्य बट्टा, समतुल्य बट्टा क्या होता है, a प्लस बी माइनस ए बी बटे 100 होता है ना, यहाँ पर रख दो 20% और 40% है ना, 20% 25% तो लिख देंगे 20 + 25 माइनस 20 × 25/100 20 = 2500 इतना हो गया 20 25 45 - 5 यानी
दिखाई दे रहा है, यहाँ से यदि कैंसिल आउट करें ये हो गया 20 और 25 45 माइनस 5 की कंप्लीट बट्टा, ये समतुल्य बट्टा जो हो गया वो 40% हो गया। क्लियर है? या तो मैदा फॉर्मूला बना लो या नहीं तो इस टेक्निकल मेथड का यूज करके बना सकते हो, इस तरह से डिस्काउंट को निकाल सकते हो। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया हूं सर। अगला क्वेश्चन लिखो, एकदम इजी क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको ट्राई करो। ठीक है, पिछले क्लास से ही रिलेटेड है, फर्स्ट क्लास जो लिए थे उसी से रिलेटेड है। लिखो, एक वस्तु का अंकित मूल, एक वस्तु का अंकित मूल 4000 रुपया है और यह ग्राहक को, और यह ग्राहक को 18% छूट पर उपलब्ध है। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें, वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ, क्वेश्चन दिया हुआ है एक वस्तु का अंकित मूल्य 4000 रुपया है और यह ग्रह को 18% छूट पर उपलब्ध है, वस्तु का विक्रय। सिंपल सी बात है, 4000 का सामान है, 18% डिस्काउंट मिल रहा है, 18% यदि छोड़ दे तो कितनी बचता है, 72% ना, 18% छोड़ दे तो कितना परसेंट बचता है, 82%। यहाँ से जो है 82% निकाल लेना है, 82% उसका वैल्यू रह जाएगा ना। यदि 18% छूट मिलता है, 100% में तो पूरा होता है, 18% छोड़ दो तो बचता है 82%, 82% बच जाएगा उतना में वह बेचेगा, तो यहाँ से 82% निकाल लो, 4000 का 82% अब हो गया, एक जीरो रह जाएगा, 4×8=3,880 में ग्राहक को वह सामान मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन कितना इजी है, एक लाइन में सॉल्व हो। देखो, एक कमीज का अंकित मूल्य 600 रुपया है, एक कमीज का अंकित मूल्य 600 रुपया है, एक कमीज का अंकित मूल्य 600 रुपया है, दो कर्मागत छूट देने के बाद, दो कर्मागत छूट देने के बाद, दो कर्मागत छूट देने के बाद उसका मूल्य 432 रुपया हो जाता है, उसका मूल्य 432 रुपया हो जाता है। एक कमीज का अंकित मूल्य 600 रुपया है, दो कर्मागत छूट देने के बाद उसका अंकित मूल्य 432 रुपया हो जाता है। यदि पहला बट्टा 10% का हो तो दूसरा बट्टा ज्ञात करें, यदि पहला बट्टा 10% का हो, 10% का हो तो दूसरा बट्टा
करा एक कमीज का अंकित मूल्य 600 रुपया है, दो कर्मागत छूट देने के बाद उसका मूल्य 432 रुपया हो जाता है। यदि पहला बट्टा 10% का हो तो दूसरा बट्टा ज्ञात करो। दूसरा बट्टा क्या हो? पहला बट्टा 10% का, देखो 600 रुपया अंकित मूल्य है, 600 रुपया अंकित मूल्य पर ही ना डिस्काउंट मिलता है। तो पहला नंबर में डिस्काउंट मिला 10% का, 100 में 10% कम बचेगा, यानी 90% वैल्यू बचेगा। इसका 90% निकाल लो, 90/100, ये क्या होगा बिक्री पहला बट्टा। अब दूसरा बट्टा मान लो कि एक्स मिल रहा है, 100 में से एक्स प्रतिशत कम कर देंगे। पहला बट्टा यदि 10% का मिल रहा है, दूसरा बट्टा कितना परसेंट का मिल रहा है, तो मान लेते हैं दूसरा बट्टा एक्स परसेंट का मिल रहा है, क्या होगा 100 - x कर देंगे बट्टे 100, क्योंकि पहला बट्टा यदि 10% है तो 100 में 10 कम कर दिए 90%, तो 90/100। 100 में दूसरा बट्टा मान लो x है, x परसेंट कम कर देंगे तो 100 - x%, 100 - x/100 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? कुल विक्रय मूल्य हो जाएगा, दो बट्टा देने के बाद का मूल्य हो जाएगा, वही तो उसी में तो बेचा जाता है। 600 का 90%, 10% छूट दिया पहला कंडीशन, 10% छूट दिया तो 90% बच गया। अब दूसरा कंडीशन कितना छूट दे, मान लो x परसेंट का छूट देता है, 100 - x बताइए, ठीक है ना, 10% का छूट दिया तो 100 में 10 घटाएंगे तब ना 90/100 हुआ, तो फिर x परसेंट का छूट देगा तो 100 में से x घटाएंगे बटे 100, तब हो गया ये बेचने वाला मूल्य। बेचने वाला मूल्य कितना है 432, तो 432 कर देते हैं, यहाँ से x का मान निकाल निकल जाएगा, इजीली निकलेगा, 2020 खत्म, 1010 खत्म। अब इस 9 से काट दो ना, 9 से कटेगा, 9 + 4 = 36, 9 + 8 = 72, फिर 6 से काट दो, 6 + 8 = 48, यहाँ से हो गया 100 - x बट्टे में 10 = 8, क्रॉस गुना कर दो, 100 - x = 80, 100 - x = 80 हो गया, क्रॉस गुना कर दो ना, 100 - x = 80, यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 80 - 100 - 80 यानी 20 हो जाएगा। दूसरा बट्टा है 20% का, दूसरा बट्टा कितना है 20%, क्लियर है, समझ में आ रहा है? नहीं बोल रहा है, समझ रहे हो? ठीक है, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ता हूँ। सर नोट कर लिए हैं, नोट भी कर लिया है, अच्छी बात जी सर, नोट कर लिया। अब जो 7-8 क्वेश्चन दिए हैं उसको तुम लोग बनाना, उस टाइप का कुछ और क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं, ठीक। एक लास्ट क्वेश्चन हम क्लियर कर दे रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने पीडीएफ शेयर किया था वो क्वेश्चन तुम लोग बना लेना, और उसका प्रैक्टिस फिर हम लोग कल करेंगे, यदि क्वेश्चन नहीं बनेगा तो, अदरवाइज बन गया तो हम आगे। ये रहे, चलो अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन मान लो अब देखता होगा मॉल जाता है या मार्केट जाता है, कहता होगा एक पर एक फ्री ना, या पांच को सामान लेगा तो एक सामान हम फ्री देंगे, है ना, ऐसा ऑफर चलता है दिवाली के समय में, धनतेरस के समय में, डिस्काउंट वाला जो है ढेर सारा ऑफर चलता है। उसमें याद रखना डिस्काउंट इसलिए दिया जाता है कि उसका सेलिंग बढ़े, सेलिंग बढ़ेगा तो उसका जो है प्रॉफिट भी बढ़ेगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है दिवाली धनतेरस में वो उसका जो एमआरपी होता है एमआरपी ही बढ़ा के लिख देता है, एमआरपी ज्यादा करके लिख दिया, अंकित मूल्य ज्यादा हो गया। अब मान लो 500 के सामान को 800 लिख दिया, 500 पर तुम्हें 10% का छूट मिल रहा था, 450 में मिल जाता, अब 800 लिख दिया उस पर कहेगा कि हम देंगे 10%, हम देंगे 15%, हम देंगे 20%। अब 800 का यदि 20% यदि निकालते हो तो 160 होता ना, 100 रुपये 20 रुपये, 800 रुपये 160 रुपये, 160 रुपये का तुम्हें छूट मिलेगा। अब 800 में 160 यदि घटा भी देते हो 640 रुपये बच जाता है। अब बताओ जो सामान 450 मिल रहा था वो सामान तुम्हें 640 रुपये मिलता, तो ये जो है ग्राहक को कहीं ना कहीं लूटता है, धोखा देता है।
MR2 को बढ़ा कर दिया, ठीक। तो सब तो अलग बात है। अब हम लोग देखते हैं कि वस्तु पर कैसे प्रॉफिट परसेंट या डिस्काउंट परसेंट हम लोग निकालेंगे उसके बारे में। डिस्काउंट कितना हुआ, मान लो कि चार वस्तु पर एक वस्तु फ्री दिया जाता या पांच वस्तु पर एक वस्तु फ्री दिया जाता, तुम्हें कितना परसेंट का डिस्काउंट मिला वो जरा कैलकुलेट करेंगे। देखते हैं इस टाइप का एक क्वेश्चन, फिर आगे तुम लोग बना लेना। मान लो कि एक दुकानदार जो है, एक दुकानदार ग्राहक को चार वस्तु की खरीद पर 1 वस्तु मुफ्त देता है। चार वस्तु की खरीद पर 1 वस्तु मुफ्त देता है, बट्टा प्रतिशत याद करें या छूट प्रतिशत। कितना डिस्काउंट कर रहा है वह, कितना डिस्काउंट कर रहा है। तो देखिए, चार वस्तु खरीदा प्लस 1 वस्तु फ्री मिला, यानी 5 वस्तु आ गया। 5 वस्तु में क्या है, 1 वस्तु फ्री वाला, 5 वस्तु में 1 वस्तु फ्री वाला है। कुल यदि बात करें कुल की, जैसे हम लोग कहते हैं ना, चार वस्तु खरीदे मतलब दुकानदार चार वस्तु बेचा, तो बेचा एक फ्री में मिला, ये हो गया डिस्काउंट ना, फ्री में मिल रहा है छूट में, फ्री में। तो यहाँ से चार वस्तु बेचा विक्रय मूल्य और ये छूट, विक्रय मूल्य प्लस छूट बराबर क्या होता है, अंकित मूल्य होता है। ये हो गया अंकित मूल्य, मतलब 5 पर 1 फ्री, 5 में 1 5 में 1 मिल गया। तो 5 में जो है 1 5 कुल सामान यदि 5 है तो उसमें 1 सामान फ्री होता है। तो प्रतिशत यहाँ पर निकाल लो, डिस्काउंट प्रतिशत बराबर हो जाएगा 1/5 गुना 20% की छूट मिल रहा है। कितना प्रतिशत की छूट मिल रहा है, 20% की छूट। समझ में आया, बीस प्रतिशत की छूट मिल रहा है कस्टमर को, चार वस्तु की खरीद पर 1 वस्तु फ्री मिला, चार वस्तु दुकानदार बेचा जो उसका अंकित मूल्य होगा उसमें दिया होगा और ऊपर से 1 वस्तु फ्री में दे दिया ना, तो कुल हो गया 5 वस्तु। मतलब दुकानदार कुल 5 वस्तु दिया जिसमें से 1 वस्तु फ्री वाला, तो छूट वाला, तो छूट बटे अंकित मूल्य गुना 100, तो छूट बटे अंकित मूल्य, क्योंकि ये हो गया बेचा गया मूल्य, ये हो गया छूट, तो विक्रय मूल्य प्लस छूट बराबर होता है अंकित मूल्य, ये अंकित मूल्य हो गया। तो बट्टा प्रतिशत गुणा क्या होता है, बट्टा बटे अंकित मूल्य गुना 100, बट्टा एक फ्री है, 5 अंकित हो गया गुना 100, यहाँ से 20% गया। क्लियर है, एकदम चुटकी में सॉल्व हो जाता है ये सब क्वेश्चन, और ये सब क्वेश्चन VVI क्वेश्चन रहता है, पूछा जाता है। तो ठीक है, जो क्वेश्चन हमने दिया है उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, जो नहीं बनेगा वो हम कल के क्लास में बता दें। तुम लोग करना क्या है, जो भी यहाँ पर लाइव क्लास करते हो वो जाके यूट्यूब पर भी देखो, ठीक है, डिविजन भी होगा साथ ही साथ हमें भी फायदा होगा, ठीक है। लाइक कॉमेंट शेयर करना ना भूलें, व्हाट्सएप पर फेसबुक पर जहाँ होता है वहाँ शेयर कर दिया, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इसका लाभ उठा सके, पढ़ सके। लाइक कमेंट करने में कुछ नहीं जाता है, उतना करते रहो। सर यही रिकॉर्डिंग सर जना है आज जना